दोस्तों हम रानी पद्मावती के पैलेस में पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पैलेस है। इससे पहले हमने सारे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। तो आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें आपको पूरी स्टोरी तो पता ही है। मैं वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ बैठ के रानी पद्मावती ने अपना चेहरा, अपनी परछाई दिखाई थी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये वो पैलेस है जहाँ पे बैठ के रानी पद्मावती ने अपनी परछाई दिखाई थी। ऊपर का फ्लोर है ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पैलेस है ये। ये चारों तरफ का व्यू है इस पैलेस का, रानी पद्मावती पैलेस का। ये कालिका मंदिर से थोड़ा सा आगे जाने से मिलेगा आपको। ये पुराने जर्जर होते कमरे। का नाम है सूरज फोर्ट। इस किले के गेट को सूरज की पहली किरण के साथ में मॉर्निंग में ओपन किया गया। सूरज सोने के साथ में आज भी उसी परंपरा को बंद किया था। टू गेट आज भी अवेलेबल है, 5-4 inches तक जाने के, 7 gate पर आने जाने की। इधर से मेवाड़ का सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान बना। इंसान की आकृति में आपको एक पहाड़ दिखेगा, सिर धड़ पेड़ ऐसा लग रहा है आदमी सो रहा है। लोकल लोग इधर उसका नाम रखा गया कुंभकर्ण पहाड़। इसी के पीछे अरावली से दिल्ली से स्टार्ट होता है, आप एमपी की तरफ जाते हैं। बाउंड्री वॉल बनी जहाँ से टाइबर्स क्या करते हैं स्पॉट के ऊपर, कोई सोल्जर जब अटैक करता यहाँ से गर्म चलो गर्म पानी डालते छोटे वाले गड्ढे के ऊपर से तीर कमाना कार्य यही लोग करते हैं। अभी ये पूरी प्रॉपर्टी आरटीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वेंट के अंदर है। पीछे आपको स्मॉल विलेज दिख रहा है ट्राइबल्स फैमिली आरटी स्पॉट के नीचे आइए। दोस्तों सूरज पोल के सामने आपको पूरा बड़ा मैदान दिखाई देगा। ये है युद्ध का मैदान और ये बैटल फील्ड भी कहते हैं इसको। और अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने के लिए यहाँ पे डेरा डाल के बैठ गया था और उसने चित्तौड़गढ़ को हरा दिया था। ये पूरा मैदान एक तरह का बैटल फील्ड है। और सूरज पोल जो है वो नाम इसलिए है क्योंकि सूरज की पहली किरण इस दरवाजे पे पड़ती है, इसी के कारण इसका नाम सूरज पोल है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो अभी हम सूर्य पोल पे थे उसके जस्ट अपोजिट साइड ही ये मंदिर है। ये 1000 ईयर ओल्ड प्राचीन टेंपल है। कहा जाता है कि पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था तो भीम ने इस मंदिर में आके प्रार्थना की थी, शिव भक्ति की थी। महाराणा कुंभा भी बहुत ही बड़े शिव भक्त थे और यहाँ पे आके वो शिव भक्ति करते थे। तो ये काफी मशहूर मंदिर है। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये एक और शिव मंदिर है जो कि ऊपरी भाग पूरी तरह से उड़ा दिया गया, तोड़ दिया गया मुगलों द्वारा। और इसमें भी शिव की त्रिमूर्ति दिखाई गई है जो हमने स्वामी देशवर मंदिर में देखी थी। बहुत ही शानदार मंदिर है यहाँ पे और नक्काशी उससे भी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ की। पहले हमने देखा था विजय स्तंभ और ये है कीर्ति स्तंभ, उसके साथ है जैन टेम्पल। ये 12वीं शताब्दी में दिगंबर जैन समाज द्वारा स्तंभ का निर्माण कराया गया। ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, 12th सेंचुरी में इस स्तंभ के निर्माण कराया गया है। और ये है जैन टेंपल और पीछे है वो विजय स्तंभ। पीछे वो विक्ट्री टावर है। हाँ विजय स्तंभ है, वो विक्ट्री टावर है। ये टावर ऑफ कीर्ति स्तंभ है, जैन समाज के मॉन्यूमेंट बना हुआ एक्चुअल में। ये 5 मंजिला बनाया गया, इसका एंट्री गेट सिर्फ कीर्ति फैलाने के, यानी कि लोगों को अपने को इंटरेस्टेड आकर्षित करने के लिए इसको बनाया गया था। इसका एंट्री गेट इतना छोटा कि बच्चा भी इसके अंदर नहीं चढ़ा। 67 चलेंगे स्टेप बाय स्टेप सीधा जी। भगवान महावीर की छोटी छोटी 1008 इस पर मूर्ति लगाई गई पूरे फोर्ट के अंदर। इस पर ये राणा कुंभा ने इसी की कॉपी करते हुए विक्ट्री टावर का निर्माण किया गया था। प्रकाश म्यूजियम है तो ये मंडे के दिन क्लोज रहता है और इसके अलावा सारे दिन खुला रहता है। तो दोस्तों आखिरी प्लेस रह गया देखने को, अब हम जा रहे हैं रावल रतन सिंह पैलेस को देखने, जो कि रानी पद्मावती के पति थे, हस्बैंड थे। पद्मावती की वजह से इस चित्तौड़गढ़ या चित्रकूट फोर्ट पे अटैक हुआ था और जिसमें रावल रतन सिंह की डेथ हो गई थी। तो उनका पैलेस है यहाँ पे, तो उस पैलेस को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके बाद हम वापसी चलते हैं अपना कोटा को। हमें मोर देन 2 आवर्स हो गए हैं यहाँ पे घूमते हुए।
अभी आप देख रहे हैं रावल रतन सिंह का पैलेस और ब्यूटीफुल ये लेक है, इसके साथ में तालाब है और ये पैलेस है। पैलेस अब खंडर बन चुका है क्योंकि खिलजी के आक्रमण के बाद, हराने के बाद खिलजी ने पूरे यहाँ तबाही मचा दी थी और जो भी मुगल यहाँ पे जीत के आया उसने पूरे चित्तौड़गढ़ में तोड़फोड़ कर दी थी। तो अब सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं, ढांचे बचे हुए हैं, खंडर बचे हुए हैं। पुराने समय का इतिहास, 700-800 सालों पुराना इतिहास आपको लाइव आंखों से देख के बहुत ही सुखमय आनंद मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो समय लगभग 3 बज चुके हैं, अब हम चलेंगे कोटा की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कोटा। कोटा का डिस्टेंस हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर और समय हुआ है लगभग 3:15। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, जब भी आप चित्तौड़गढ़ आए तो समय निकाल के आए, जल्दबाजी में ना आए, क्योंकि आपको चित्तौड़गढ़ देखने के लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार है चित्तौड़गढ़। और ऑलरेडी हमने ओयो रूम्स बुक कर रखा है, तो हम आज का रात स्टे करेंगे कोटा में। अगर समय मिलेगा तो कुछ वहाँ पे जो स्पेशल प्लेस है वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। वाओ, जिस हाईवे की मुझे तलाश थी वो हाईवे मुझे मिल गया है और मेरा कोटा का सफर बहुत ही बढ़िया स्मूथ होने वाला है, क्योंकि ऐसा हाईवे मिल जाए तो हम टाइम बचत कर सकते हैं और बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये 150 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा 2 आवर्स, मैक्सिमम 2.5 आवर्स में हम कवर कर लेंगे। नहीं तो जैसे मैं कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ आया था तो मेरे मोर देन 3.5 आवर लग गया था, और ये हाईवे तो बहुत कमाल का मक्खन हाईवे है। तो आज हमारा स्टे है कोटा में, तो अगर हम समय पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी नियरेस्ट प्लेस होगा। मेरा अभी आज हमारा स्टे है ओयो रूम्स में। दोस्तों एट लास्ट हम कोटा में पहुंच चुके हैं। रोड एकदम मक्खन मलाई था, टोल रोड था और मक्खन मलाई रोड, मज़ा आ गया बाइक चलाने में। एवरेज स्पीड तो 100 से ऊपर ही रही थी, 100 तो। रोड में सिर्फ एक ही कमी थी कि कहीं कहीं एक तो कट बहुत है, गांव के कट थोड़ा बीच बीच में काफ़ी जगह आने में था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कोटा, यहाँ का पत्थर मशहूर है कोटा स्टोन के नाम से, आप जानते ही हो। अभी होटल रॉयल पैराडाइज ओयो रूम में अभी एंटर कर लिया है, चेक इन कर लिया हमने। बाइक अभी बाहर खड़ी है, तो रात को कह रहे हैं अंदर कर देंगे यहाँ पे 9 बजे के बाद। तो देखते हैं रूम कैसा है, मैंने तो ऑनलाइन बुक किया है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट मी, और कोई भी नया मेरा व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।